अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं, क्या हाल है आप सबका। तो आज है हमारा रमज़ान का डे 21 और यहाँ पे मैंने पराठा बनाया है। और ऐसे के लिए मैं ऐसे डाल देती हूँ, यहाँ पे बहुत खा लेती है। ऐसी नहीं, कुछ माएँ होती है ना कि ऐसे तोड़ तोड़ के और ये ऐसे घुसा घुसा के खिलाती है, तो मैं ऐसी नहीं करती। स्टार्ट में मैं भी ऐसी थी, बट फिर मुझे आइडिया हो गया कि ऐसे बच्चे नहीं खाते ज़बरदस्ती। तो अब उसको मैं दे देती हूँ, माशाल्लाह पूरा खा लेती है, लाइक पूरा नहीं जितना मैं देती हूँ वो खा लेती है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और उसको पराठा और रोटी वगैरह बहुत पसंद है, लाइक वीट की चीज़ें, तो मैं पराठा या रोटी उसके लिए सुबह बना लेती हूँ। पहले ब्रेड देती थी, बट ब्रेड उसको नहीं खास अच्छी नहीं लग रही थी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अब मुझे आज समझ नहीं आ रही, आज मुझे करनी थी क्लीनिंग, तो बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज नहीं, कल कर लेना, तो मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। कल उन्होंने ऑफ लिया ऑफिस से, तो वो भी घर में होंगे, तो इसीलिए क्लीनिंग कल होगी। और आज मैंने खाना बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बनाऊं। तो हस्बैंड आते हैं, उसके बाद मुझे पूछती हूँ। और उसके बिस्किट्स पड़े हैं, मैं ऐसे वो ऐसे टाइट करती है हाथ को, तो तोड़ देती है हाथ में सॉरी। तो बस चलिए, हस्बैंड आते हैं, फिर पूछती हूँ, फिर आपसे रूटीन शेयर करती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको पराठा खिलाती हूँ, इतना मज़े। ये मैं पराठे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो जब सुबह उठती हूँ तो बस जस्ट गर्म कर लेती हूँ। तो ये इतने अच्छे पल वाले पराठे बनते हैं, तो आज मैं हस्बैंड के लिए भी आलू के पराठे फ्रीज़ कर दूँगी सहरी टाइम के लिए। कल उन्हें मेरा पराठा बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था, तो आज मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी, फिर सहरी टाइम बनाया करूँगी, ठीक है। हाय, तो अभी 5 बजे मैं उठी हूँ और मैं यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही हूँ, और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग खाना बनाना रहता है, और मैं ये कपड़े डाल दूँ मशीन में, हाफ धुल गए हाफ रहते हैं। बेडशीट तो धोनी है, बट वो बाद में धोंगी, और टॉवल्स भी डाल देती हूँ। और 5 समथिंग हो रहे हैं, मैंने खाना नहीं बनाया है, अभी टेंशन हो रही, इतनी मैं आलसी हो गई हूँ। मैं सारा दिन कुछ नहीं करती, सारा दिन लेटी होती हूँ, मेरी जवानी वापस आ गई पता नहीं क्या मसला है यार। तो जितनी अब जल्दी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैं जल्दी से ये मशीन में डाल दूँ, उसके बाद किचन में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अभी मैं आ गई किचन में, और ये तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी, ये राइस बॉयल हो गए थे, कर लिए थे मैंने, खुद नहीं हुए थे, खुद ही हो जाते हैं, हाँ। और ये चिकन मैंने मैरिनेट किया था, और इसमें है दही, बिरयानी मसाला, सालन मसाला, नमक और आलू बुखारा। आलू बुखारा इज़ माय मोस्ट फेवरेट इन बिरयानीज। तो ये मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ, ये मैंने कटिंग कर ली थी प्याज टमाटरों की, ये धनिया और मिर्चें हैं, और साथ बनाऊँगी आलू पराठाज सहरे के लिए भी और अफ्तारी के लिए भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सही फ़ैन हो गए मेरे आलू पराठास के, तो उनको अफ्तारी में भी चाहिए और सहरी में भी चाहिए, तो इसलिए आलू ज़्यादा बॉईल कर रही हूँ। तो इसको ऑन करते हैं, साथ इसको भी ऑन करते हैं, और बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाटा। वैसे मैं काफ़ी जल्दी कर रही हूँ, बट अभी टाइम है, अभी 5 बज रहे हैं, और मैं अपनी मम्मी पी गई हूँ, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनें ही माशाल्लाह काम के मामले में अम्मी पे गए हैं, तो हाँ बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं, तब तक आलू बॉयल हो जाएंगे, तो ठीक है, इसको मैं स्टैंड पे लगाती हूँ। आलू हमारा बॉईल हो गया, इसको मैंने छील लिया है, अब इसको करते हैं मैशर के साथ मैश। सुबह शाम मेरे स्लीव्स चढ़े हुए होते हैं, कल इसमें धनिया डालना मैं भूल गई थी, तो आज धनिया डालूंगी, क्योंकि आलू के पराठों में धनिया अच्छा लगता है।
ये मैं पाकिस्तान से लाई थी मैशर। इसको अब अच्छे से मैश करते हैं और ये छोटा सा हाथ इजल का है, इजल खुद चल के आई है आज किचन में चलांगी लगा लगा के किधर है किधर है मेरी जान इजल को मैंने टेस्ट करवाया बी बॉय लालू, उसको अच्छा लगा है तो ये मैं उसके लिए साइड पे करती हूँ, उसको बाद में दे दूंगी। और इसमें मैं मसाले मिक्स करती हूँ, कैंची से तो ईजी रहता है धनिया काटना, और साथ साथ मैं इजल को भी आलू के खिलाती जा रही हूँ। इधर खेल रही है वॉकर में, पीछे नजर आ रही होगी सब्र वो रही किधर मेरी उंगली ये माशाल्लाह इतनी शौक से खा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इजल ने अपना मैश पोटैटो खा लिया और यहाँ भी मिक्सचर भी तैयार है, उसको मैंने थोड़ा और निकाल कर दिया है फिर, तो वो भी माशाल्लाह उसने खा लिया माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो पेड़े बाद में बनाऊंगी इंशाल्लाह, या भी बना लेती हूँ देखती हूँ, तो तब तक बिरयानी बन जाएगी और फिर इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, पीछे वो देखिए खेल रही है माशाल्लाह। तो चलिए इसको साइड पे करते हैं, पेड़े बनाए लेती हूँ। ये रहे हमारे सारे पराठे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको एक निकाल के, ये एक अफ्तारी टाइम बनानी है तो इसको मैं फ्रीज करती हूँ। कैसे फ्रीज करना है, ये है हमारे पास बटर पेपर, तो ये मैंने बटर पेपर लिए जितने पराठे हैं, और साथ में ये जो बैग्स आते हैं ना ये वाले मैं निकाल कर दिखा दूँ। ये बड़े वाले बैग्स जो आते हैं इसमें मैं स्टोर कर दूंगी इनको इस तरह। ठीक है, साइड पे कर देती हूँ। तो ये बिरयानी का मसाला तैयार हो गया, इसको साइड पे करके इधर लेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। ये नेबर के घर से कुछ आया पता नहीं क्या है, देखते हैं, इसमें साइड पे कर दूँ। वाओ, ये पता नहीं इंडियन कुछ होगा, और ये पकौड़े हैं। ठीक है, तो फिलहाल लेयरिंग स्टार्ट करते हैं बिरयानी की।
यार अभी क्या सीन हुआ है, मुझे लगा था 5:30 हो रहे हैं, अभी मैंने टाइम देखा है 6:37 हो रहे हैं, तो मैं फिर लेट हो गई। मैं जल्दी से अब तारी तैयार करती हूँ, फिर टेबल पे आप ही मिलते हैं। ये कलर है मेरे हाथों पे। बाय 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 बाय। यार तो बिरयानी को फिलहाल मैंने हटा दिया दम से, तो यहाँ पे चाय बन रही है, ये फ्राई हो रहे हैं और अभी पराठा भी बनाना है, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो बिरयानी तो ऐसी बाद में खाएंगे डिनर में, तो जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। ठीक है, अभी वैसे 15 मिनट्स है, बट मुझे वैसी जल्दी होती है। ठीक है, अभी हम बाहर गए थे, ये कार फोर हमारी बिजली आई थी, तो मेरी बाग बाकी चली गई है। आया है माशाल्लाह, बहुत शौक से पी रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हस्बैंड के स्प्रिंग रोल है, ये दही है जो वो अफ्तारी से हमें खाते हैं, ये मेरा नहीं है मेरा ही है, और ये बनाना है, आई कितने ग्रीन है, ये शेक के लिए मंगवाए हैं वैसे। तो बस ये सारा सामान था, बाकी बेसन नहीं था, बट बेसन की ये लोग डिलीवरी शायद ही कर रहे थे, तो वो हस्बैंड कल ले आएंगे, थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो कल मैंने वैसे भी अफ्तारी नहीं बनानी, कल मैंने क्लीनिंग करनी है, और टोटल बिल बिन बना था 50-46 dirhams, और बस अभी बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, एजल को ज़रा बाहर लेकर जाते हैं, इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ या फिर बाहर मिलती हूँ। ठीक है, टाटा। हाँ जी, तो अभी 11 बज रहे हैं और हम करने लगे हैं डिनर, ये है बिरयानी की फाइनल लुक। तो चलिए, आई थिंक व्लॉग ये वाला लंबा हो गया है, तो व्लॉग को एंड करती हूँ, हम डिनर करते हैं आराम से, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।